नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने गेमिंग वीडियोस के लिए एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हो। इस थंबनेल को देखकर अगर आपको याद आया है या नहीं आया है मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ ये जो थंबनेल है ना 2022 में मैंने बताया था कैसे आप लोग बना सकते हो और आज भी दोस्तों ये ट्रेंडिंग फर्स्ट नंबर पर कर रहा है। अगर आप डालोगे फ्री फायर थंबनेल तो यही थंबनेल आपको मेरा मतलब वीडियोज़ ऊपर आएगा। आज दोस्तों मैं फिर 2 साल के बाद बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक आसानी से एक अच्छा सा अपने गेमिंग वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हो। और यहाँ पर मैं किसी भी यूट्यूबर की कॉपी करने वाला नहीं हूँ, अपने ही स्किल से आपको बताऊँगा कि आप आसानी से। देखिए मेन मकसद जो है मेरा वो ये है कि जो नए बंदे हैं ना वो जो थंबनेल बनाना नहीं जानते पहली बार है वो थंबनेल को कैसे बनाएंगे, बस उनके लिए वीडियो मान के चलो। तो आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, अब आप थंबनेल बनाना सीख जाओगे, आप अपनी स्किल से सीखोगे, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस मेरा वीडियो देखो, उसके बाद आप तरह तरह के थंबनेल्स जो है वो एडिट कर पाओगे। तो देखो भाई, थंबनेल्स को बनाने के सबसे पहले यहाँ पर आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही पिक्सल लैब एप्लीकेशन, इसको ओपन करो, इंस्टॉल कर लो अगर नहीं है प्ले स्टोर से। और यहाँ पर दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने स्पीकर का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिखेगा, देख सकते हो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर सिंपली यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर दो। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कहीं से भी बैकग्राउंड जो आपने डाउनलोड, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, पैक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। गैलरी में गया और यहाँ पर चलो मैं जो थंबनेल का बैकग्राउंड है उसको ले लेता हूँ। मैंने ये बैकग्राउंड थंबनेल का ले लिया, देख सकते हो इस तरीके से। आप चाहें डार्क भी रख सकते हो या फिर दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई इस तरीके से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जहाँ पे दोस्तों ये देखो ये है ना ये बटन, किसी भी कलर का बैकग्राउंड बना सकते हो इस तरीके से, ग्रेडियंट बना सकते हो इस तरीके से, डार्क कलर भी बना सकते हो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों यहाँ पर एक अलग से, आप स्क्रीनशॉट भी कोई हेडशॉट मार रहे हो तो वहाँ पे आप इसका कैप्चर करके यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से देखते जाना वीडियो को, आसानी से सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ठीक है, बैकग्राउंड डन कर दिया इसको। अब डन करने का दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कोई हेडशॉट मारा है तो यहाँ पर उसको ले लेना है। मतलब कोई भी अगर आपने हेडशॉट मारा या फिर PNG अगर आपको नहीं पता कहाँ से मिलते तो मैं आपको दे दूँगा, PNG भी दे दूँगा। आप यहाँ पर जाओ सीधे, सिंपली आपको इस तरीके से एक PNG डाउनलोड करना है और यहाँ पर उसको लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लगा देना है और यहाँ पर उसको इस तरीके से पहले फ़िट करना है ताकि ये सही से लगे, इस तरीके से आपको इसको फ़िट करना है। ये फ़िट हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हो बीच वाला गोल गोल बटन, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर इसको स्ट्रोक दे दो, ठीक है, स्ट्रोक आपको यहाँ पर जिस कलर का ये है उसी कलर का स्ट्रोक दे देना है। आप येलो स्ट्रोक दे सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का स्ट्रोक दे दूँगा येलो कलर का, ठीक है, कलर यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे प्लस के आइकन पर कलर्स मिल जाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रोक इस तरीके से दे दो और यहाँ पर ओके कर दो। स्ट्रोक देने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करो, जैसे ये ऑप्शन देख रहे हो ना मैं बता रहा हूँ, इस पर क्लिक करो, लॉक कर दो इसको। लॉक करने से ये होगा ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है, वापस इसको फिर से ऐसे कर दो, अभी ये यहाँ पर हिलेगा डुलेगा नहीं। प्लस के आइकन पे क्लिक करो, ऊपर सबसे ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि UMP हेडशॉट इस तरीके से लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर आप कैपिटल लेटर में करना चाहते हो तो ये देख सकते हो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, ऊपर टी जो बनी हुई है इस पर क्लिक करोगे कैपिटल और स्मॉल में आ जाएगा, ओके कर दो। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, पहले हम UMP ले लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको सही से फिक्स कर पाए। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से किया, UMP लेने के बाद यहाँ पर ए लेटर बना होगा नीचे, इस पर क्लिक करो, ये देखो ये यहाँ पर होगा और आपको जाना है फॉन्ट में, फॉन्ट में क्लिक करो, माई फॉन्ट्स में जाओ और ये देख रहे हो जो BURBANKVG इस फॉन्ट को आपको ले लेना है, या फिर दोस्तों इस फॉन्ट को भी ले सकते हो, फिलहाल आपको इस फॉन्ट को यूज़ करना है। इस फॉन्ट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सब कुछ पूरा पैक मिल जाएगा, ओके कर देना है। ओके करने का दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको रखना है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से आना है, लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से आपको आना है और यहाँ पर शैडो, शैडो पर क्लिक करना है और इसको शैडो दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी शैडो दे सकते हो,
ठीक है, ब्लैक दे दोगे ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा अच्छा शो करेगा। और यहाँ पर स्ट्रोक भी आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करो, इसको स्ट्रोक भी दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, ब्लैक ही देता हूँ, स्ट्रोक दे दिया, इस तरीके स्ट्रोक देना है। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, वो है इनर शेडो का। इनर शेडो पे क्लिक करो, ब्लर रेडियस इसको माइनस कर दो, सिंपल। देखो ब्लर रेडियस को माइनस करना है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको इस तरीके से 2 या 3% बढ़ा देना है, ठीक है। ऑफसेट एक्स, इसको भी आपको ऑफसेट एक्स और माइनस वाई, इसको आपको यहाँ पर 3-3 कर देना है, इस तरीके से डन कर देना है। डन करने का दोस्तों यहाँ पर इस तरीके इसको रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको इसका कलर अगर चाहो तो आप कलर चेंज कर दे, तो कलर पे जाओगे तो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर पाओगे बहुत ही आसानी से। कलर चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको कॉपी करो, इस लेटर पे आप क्लिक करोगे और कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है हेडशॉट, हेडशॉट, ठीक है, मैंने हेडशॉट लिख लिया है, इसको कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई और भी यहाँ पर इसका मतलब कि कुछ भी आप दे सकते हो। हेडशॉट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, कलर पे जाओगे तो हम इसको कोई ग्रेडियंट कलर का कलर देना चाहेंगे जो कि हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये कलर कैसा थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है, तो ये कर नहीं, ये भी बेकार लग रहा है। डार्क कलर में ग्रेडियंट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम कलर में जाएंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट कलर मैंने बना लिया है, और यहाँ पर क्लिक कर देना, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप प्लस के आइकन पे क्लिक करो, और कोई भी दोस्तों आप UMP का PNG वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आप कहीं भी क्रोम ब्राउजर से लिखोगे UMP PNG तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मेरे पास है क्या, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास UMP का PNG। तो यहाँ पर आप अपने UMP की कोई भी कह रहे ना उसको यहाँ पर लगा सकते हो, एंड अपना कुछ भी और भी यहाँ पर लिख सकते हो। सिंपली दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखना है 90:20, और यहाँ पर आपको लिख देना है 180। सिंपली आपको यहाँ पर 180 करने के बाद एक्सपोर्ट इमेज आपको अल्ट्रा में करना है। तो भाई ये फुल HD में आपका जो थंबनेल है वो बन के रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से किसी भी अपने गेमिंग चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हो। और अगर आप एडवांस लेवल की थंबनेल बनाना चाहते हो तो आप कमेंट करना, तो मैं उसको अभी बना दूंगा। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल, बच्चा भी बना लेगा। और एडवांस लेवल का बनाना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं एडवांस लेवल के भी आपको थंबनेल बनाना सिखा दूंगा। वीडियो अच्छा तो लाइक एंड शेयर करना, कमेंट करना।